मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद के कारण पंजाब की सियासत गरमाने के साथ ही लोग भी इसमें शामिल होने लगे हैं। पूरे मामले में राजनीतिक हलकों में बहसबाजी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। इसके साथ ही अब यह विवाद संगीत की दुनिया में पहुंच गया है। जालंधर के पास के गांव विगना के गायक हिम्मत सिंह ने इस मामले में एक रैपर तैयार किया है और यह पंजाब में खासा वायरल भी हो रहा है। इस रैप में नवजोत सिंह सिद्धू का पक्ष लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस रैप को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसे खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने ही तैयार करवाया है। दूसरी ओर सिद्धू समर्थकों ने इसकी यह कहते हुए सराहना की है कि हिम्मत सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर बादल के बीच चल रहे फ्रेंडली मैच को गाने के जरिए उजागर कर दिया है। इस गाने में सिद्धू व कैप्टन या सिद्धू सुखबीर मजीठिया के साथ चले आ रहे विवादों को उभारा गया है। विधानसभा में सिद्धू और विक्रम मजीठिया ने के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी पर हुए विवादों को भी गानों में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि सिद्धू नशे के व्यापारियों को सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हिम्मत सिंह का यह भी कहना है कि सिद्धू की सियासी तरक्की उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से सहन नहीं हुई। सिद्धू को ईमानदार बताते हुए कहा गया है कि उन पर जानबूझकर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिम्मत का कहना है कि उनके इस गाने पर पाबंदी भी लग सकती है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं।